अर्नब जी हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? खुशी जी, आपकी छोटे से बात हुई? नहीं दीप, वो हमारा फोन नहीं उठा रहे। सब बैग्स गाड़ी में रखवा दियो। दी, हम बस एक घंटे में निकलेंगे। पायल बिटिया, सारा सामान ठीक से रख देना। हाय रे नंद किशोर, ए पहलिया, वो अचार की बरनी और मिठाई का डब्बा रख लिया है ना संभाल के? जी बुआ जी, आप फिक्र मत कीजिए। हे भगवान, हमें घबराहट सी हो रही है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है? ऐसा मत बोलिए दी, आपसे ज्यादा घबराहट तो हमें हो रही है ये सोच सोच कर कि पता नहीं अर्नब जी क्या सरप्राइज देने वाले। अब अर्नब आ गया। हाय नंद किशोर, अर्नब बबुआ के बारे में पूछा था, क्या तुम उनका इंतजार कर रहे हो? हाय नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा। बस कुछ टाइम और, तुम सब देखते रह जाओगे जब मैं एक झटके में तुम सबकी दुनिया उलट पुलट कर दूंगी, और तुम सबको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। लो फाइनली अर्नब भी आ गया। कहाँ थे आप? हमने कितनी बार आपको फोन किया था? I'm sorry, खुशी, मैं बिजी था इसलिए कॉल नहीं ले पाया। शीतल, you wanna know, आज मैं किससे मिला? किसे? प्रणव, remember तुम्हारी उससे बात हुई थी? अर्नब, पता है किसका फोन आया था? प्रणव का। ओह, प्रणव कहाँ है वो आजकल? वो ऑस्ट्रेलिया में है, पहले जैसा पागल। हाँ, हुई थी। छोटे, अब बता भी दो ना कि सरप्राइज क्या है, अब इंतजार नहीं हो रहा, बताओ ना क्या है। थी भी पेशेंट, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। प्रणव, very surprising, प्रणव का कहना कुछ और ही है। हाय शीतल, इतने सालों बाद, मैंने तो तुम्हें कॉलेज के बाद कभी कॉल किया ही नहीं। In fact, I don't have your number. वो, मैं तो किसी और प्रणव की बात कर रही थी। हाँ, okay. खुशी, तुम जरा अर्नब के साथ रहना। Okay everyone, it's time. मैंने आज की पार्टी के लिए कुछ स्पेशल गेस्ट बुलाए। शीतल के कुछ फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड्स? या मिसेस शर्मा। ये शीतल की लैंड लेडी है। तो शीतल आपके यहाँ कितने टाइम से रहती है? शीतल मुंबई में मेरे घर पे पिछले 2 साल से पेइंग गेस्ट बन के रह रही थी। अभी कुछ 2 महीने पहले ही छोड़ा उसने। इसने कभी भी टाइम पे किराया नहीं दिया। लेकिन छोटे, शीतल जी तो यूएस में रहती थी ना? दी, ऐसा शीतल कहती है, पर शीतल के कहने से सब सच तो नहीं हो जाता। मिस्टर चोपड़ा, हाय मिस्टर अर्नब। हाय, सो डू यू नो हर? जी हाँ, यही है शीतल कपूर, और इनफैक्ट हम तो इन्हें काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके पास हमारे बैंक के 3 क्रेडिट कार्ड हैं, और इन्होंने अपनी क्रेडिट लिमिट पार कर चुकी हैं। ना तो इन्होंने कभी पेमेंट किया और ना ही देने का इरादा लगता है। ये हमारी बहुत बड़ी क्रेडिट डिफॉल्टर है। ये सब झूठ है। क्लास इधर, अभी और भी लोग हैं। मिस्टर सोदी, यस सर,
आप जानते हैं? हाँ जी, ये मैडम मेरे पास आरव को लेकर 2 महीने पहले आई। ये चाहती थी कि मैं इनके बच्चे आरव को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग दूँ। शीतल जी, पर आपने तो कहा था कि आरव को बास्केटबॉल खेलना आता है, क्या आपने झूठ कहा था? नहीं, did you lie? अर्नब, सबका क्या मतलब है? तुम मुझे सबके सामने इंसल्ट करना चाहते हो? No? मैं तो बस सबको सच बता रहा हूँ। तुम इंसल्टेड फील हो ना? शीतल जी, आपने झूठ क्यों कहा? आखिर वजह क्या थी आपकी ये सब करने की? दी, थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा। Enough is enough. अब और नहीं, मैं यहाँ पर रहकर तुम्हारा ये बेहुदा मजाक और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस हो गया, हम लीवे। चलो आरव। आरव, ईद देखो, मौज की बाय बाय करके और स्टाइल से चली जा रही है। कौन से बाम का मैजिक है ही? हैं? आशा जी, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। आशा दीदी कौन है? आरव हमारे आश्रम का सबसे प्यारा बच्चा था। वो 6 साल से हमारे साथ रह रहा था, पिछले 2 महीने तक। फिर 2 महीने पहले क्या हुआ? Not so easily, शीतल। अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुआ। 2 महीने पहले शीतल जी ने आरव को हमारे आश्रम से गोद लिया था। बेटा नहीं है? नहीं खुशी, आरव शीतल का बेटा नहीं है। नहीं, इन्होंने खुद मुझसे कहा था कि ये मेरी मॉम है और आप मेरी। शट अप आरव, एक और वर्ड कहा ना तो और क्या बोला था इन्होंने आरव? Come on, tell everyone. डरो मत, मैं हूं ना। उन्होंने कहा था कि ये मेरी मॉम है और आप मेरे डैड। उन्होंने कहा था कि जब मैं छोटा बेबी था तो आपने मुझे अकेला आश्रम में छोड़ दिया था क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते थे। इन्होंने कहा था कि मैं ऑलरेडी आप जैसा हूँ। अगर पूरा आप जैसा बन जाओ तो आप मुझे अपना लोगे, मुझसे प्यार करोगे और मुझे अपने साथ रखोगे। जी, इतना बड़ा खेल, लेकिन काहे? नानी, एक्चुअली शीतल बैंकरप्ट हो चुकी थी। लोन उतारने के लिए पैसों का कोई अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो शीतल ने एक प्लान बनाया। सारे लोन्स पे करने के लिए और बाकी की जिंदगी ऐश से जीने के लिए। इस प्लान के हिसाब से इसने अपने एक पुराने अमीर एक्स बॉयफ्रेंड को, यानी मुझे चुना। आरव को आश्रम से गोद ले लिया, फिर उसे मेरी तरह बिहेव करने के लिए ट्रेन किया।
फिर इसने खुशी के बारे में पता किया और उसे एम किया, क्योंकि इसे पता था कि अगर खुशी मान जाए कि आरव मेरा बेटा है तो खुशी उसे उसका हक दिलवा कर रहेगी और शीतल को जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे। इसने सब कुछ ऐसे सेटअप किया जिससे खुशी खुद ब खुद ढूंढना चाहे कि आरव मेरा बेटा है या नहीं। शीतल की सारी मूव्स कैलकुलेटेड थी, खुद हेल्पलेस और बेचारी बने रहने का ड्रामा करती रही और ये सब छुपाती रही। जिस दिन से हम शीतल से मिले उसके बाद जो कुछ भी हुआ है सब इसका प्लान था। आप इन्हें जानते हैं? शीतल, हम कॉलेज में सेम क्लास में थे। आरव बेहोश हो गया। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आरव की रिपोर्ट्स आ गए। सॉरी टू से, उसे डायबिटीज। लेकिन आपने ही तो कमिटमेंट दी थी कि आप चाबी देंगे हमें आज। हम तब तक कहाँ रहेंगे? क्यों ना आप और आरव हमारे साथ यहाँ रह जाए। अर्नव, आरव अर्नव जी का खून है, बाप बेटे का रिश्ता है। I'm so sorry. आपने पहले इस सच क्यों नहीं बताया? मैं आरव को खोना नहीं चाहती थी। आरव को तुमसे कोई छीन नहीं रहा है, but... मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए अर्नव, मुझे और आरव को तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए। शीतल को अच्छी तरह पता था कि खुशी को आरव के बारे में पता चलेगा तो वो सब कुछ सैक्रिफाइस कर देगी, अपनी शादी भी। इनफैक्ट ये होने वाला था, खुशी सब कुछ छोड़ के जाने वाली थी। तुम्हारा प्लान अच्छा था लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। ग्रेजुएशन नाइट मेरे दोस्त मुझे पीने के लिए फोर्स ना करें इसलिए आई वाज प्रिटेंडिंग टू बी ड्रंक। मुझे सब कुछ याद था जब तुमने मुझे ये कहानी बताई, तब भी मैंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि आई वांटेड टू फाइंड आउट कि तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुमने आरव को इसमें इन्वॉल्व कैसे किया। लेकिन डीएनए जांच की रिपोर्ट? या मुझे भी पता नहीं चला कि डीएनए रिपोर्ट मैच हुई कैसे। तो तुम मानते हो कि कुछ ऐसा भी है जो तुम्हें समझ नहीं आया? अब छुपाने से तो कुछ हासिल नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं। जब मुझे पता चला कि खुशी ने तुम्हारे बालों का और आरव के बालों का सैंपल कलेक्ट किया था तो मैंने तुम्हारे बालों का सैंपल आरव के बालों के साथ एक्सचेंज कर लिया। तो रिपोर्ट तो मैच होना ही था। बालों का सैंपल चेंज करने तक तो ठीक है शीतल, बट यू आर सो सिक। तुमने आरव के शुगर लेवल्स मैनिपुलेट किए ताकि ऐसा लगे कि उसे मेरी तरह डायबिटीज है। किसे पता था कि क्लास में पीछे चुपचाप बैठने वाली एक लड़की इतनी बड़ी फ्रॉड निकलेगी। इतना पैसा जिसके पास हो उसका ऐसा प्रवचन देना बहुत आसान होता है। मैंने ये सब पैसों के लिए किया। और क्या गलत किया? सब करते हैं। किसी का खून नहीं किया है मैंने। तुम्हारे पास तो हद से ज्यादा पैसे थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा ले लेती तो मेरी भी जिंदगी सवर जाती और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। इतना अच्छा मास्टर प्लान बनाया था लेकिन ये छोटा सा बच्चा चुप रहे तो ना। आरव के बारे में एक और शब्द बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती आपको अपने आप को औरत बुलाते हुए? आपने हमारी शादी तोड़ने की कोशिश की, एक मासूम बच्चे का दिल तोड़ा और आप कह रही है कि आपने किसी का खून नहीं किया? एक मासूम बच्चे को इस तरह इस्तेमाल करना किसी का खून करने से कम नहीं है। कितनी बेवकूफ है जो हमने सोचा कि हम आपके दुख का कारण है। दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करने वाले लोग ग्रेट होते हैं,
बेवकूफ नहीं। शीतल ने तुम्हारे साथ ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम अच्छी हो, और अच्छा होना गलत नहीं है। शीतल तुम्हारा एक और गेस्ट वेट कर रहा है। फ्रॉड के केस में आपको अरेस्ट किया जाता है। ले चलो इन्हें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। घबराइए मत आरव, सब ठीक हो जाएगा। आरव को ऐसी औरत से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रायजादा। अब इसे आश्रम लेके जाना होगा। चलो बेटा। बाय डू। When I see you next time, you'll be a big boy. Okay? Take care. Bye, Mamiji. Bachua, I hate bye bye. I like only hello hi. You see, रहे तो तुम नहीं समझोगे। All the best, okay? नहीं, उसे मत ले जाइए। लेकिन इसे आश्रम जाना ही होगा। आरव अनाथ है और इसकी जगह शायद वही है। ऐसा मत कहिए अर्णव जी, अगर देवी मैया ने हमें आरव से मिलवाया तो हो सकता है कि उसके पीछे देवी मैया की कोई मंशा होगी। क्या आरव हमारे साथ यहाँ नहीं रह सकता? हमारे पास खुशी, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगा। खुशी, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगा। आरव चाहे तो हमेशा के लिए यहाँ रह सकता है। ये बच्चा तो हमारे घर का कब का बन चुका है, ये कैसे जा सकता है? मैं आपकी भावना की कद्र करती हूँ मैडम, लेकिन अगर आप इसे यहीं रखना चाहते हैं तो आपको इसे कानूनन गोद लेना होगा, और जब तक ऐसा नहीं होता उसे आश्रम में ही रहना होगा। अर्णव जी, कौर हम आरव को अडॉप्ट करेंगे। हम आरव को गोद लेंगे। सच में? यस, बट दैट इज अगर तुम हमें अपना ममराट बनाना चाहो तो। शायद सबको ही ऐसा लगता होगा कि उनके भैया और भाभी सबसे बेस्ट हैं, लेकिन वाकई में अब हम आप दोनों से सिर्फ प्यार नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा इज्जत करते हैं। I'm really proud of both of you. मैं एडॉप्शन के कागजात तैयार करवाती हूँ, तब तक आरव आप लोगों के साथ रह सकता है।
मैं एक टेम्परेरी परमिशन का लेटर भिजवा दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।